है इंतजार मुझे जंग खत्म होने का, लहू की कैद से बाहर कोई बुलाता है। एलाइने इजराइल और फिलिस्तीन के नागरिकों के लिए सटीक बैठती हैं। कहते हैं युद्ध और जंग से किसी समस्या का हल कभी नहीं हुआ। असल में जंग के कारण नरसंहार जरूर हुए हैं। युद्ध कभी वर्चस्व पाने के लिए किया गया, तो कभी संपत्ति पाने के लिए, तो कभी सत्ता हथियाने के लिए हुए। ऐसे ही जंग बीते 46 दिन से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ी जा रही है। इजराइल हमास युद्ध के 46वें दिन जंग से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। दोनों पक्षों में आखिरकार इजराइल हमास युद्ध को रोकने की सहमति बन गई है। इजरायली कैबिनेट ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए 50 बंधकों की रिहाई के बदले जंग को अल्प विराम देने के समझौते को मंजूरी दी है। ऐसे में अब गाजा में मौतों का तांडा अस्थायी संघर्ष विराम के बाद कम हो जाएगा। इजराइल 50 बंधकों की रिहाई के बदले 150 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा करेगा। इजराइल हमास युद्ध में अल्प विराम से हजारों युद्ध पीड़ितों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े हैं। जंग के बीच फंसे लोगों ने राहत की एक बड़ी सांस ली है। दरअसल इजराइल और हमास गाजा युद्ध में शांति समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं। इस समझौते के तहत इजरायली सेना 4 दिनों तक गाजा में हमले रोकेगी, तो वहीं इसके बदले हमास रोज 10-10 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। रिहा होने वाले बंदियों में सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही शामिल हैं। इसके बावजूद हमास के कब्जे में बड़ी संख्या में इजरायली नागरिक बचे रहेंगे। अमेरिकी अधिकारियों की माने तो यह समझौता अब इजरायली सरकार की मंजूरी के लिए लंबित है। इसे 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। इस समझौते में कतर ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजरायल हमास समझौते की पुष्टि कर दी है। बंधकों की रिहाई गुरुवार या शुक्रवार को शुरू हो सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शुरुआती 50 बंधकों के बाद और अधिक बंधकों की रिहाई की अनुमति देने के लिए युद्ध विराम को बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान इजराइल प्रतिदिन 6 घंटे तक गाजा के ऊपर ड्रोन उड़ानों को निलंबित रखेगा, ताकि हमास के आतंकवादी शेष बंधकों को एकजुट कर सकें। बता दें कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमास के हमले में अब तक कम से कम 1200 नागरिक और सैनिक मारे गए हैं, जबकि आतंकियों ने गाजा में 236 लोगों को बंधक बनाया था। जबकि हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाजा में अब तक 14,128 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के श्री टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।